हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुष एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वंडरिंग मॉन्क आयुष। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम आपको ले चलते हैं पोलो फॉरेस्ट के सफ़र पे। पोलो फॉरेस्ट गुजरात के विजयनगर तालुका के पास आभापुर गांव के पास स्थित है। ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल जंगल है। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु, पक्षी और मकड़ियों की भी प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी में बने हुए कई सारे प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जैन मंदिर, शिव मंदिर और भी कई सारी मुख्य जगह हैं। तो वही करीब अहमदाबाद से 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पोलो फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं। और पोलो फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी घना जंगल है चारों तरफ। और लास्ट 50 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही था, पूरा चारों तरफ जंगल था और सुनसान रास्ता था। और अब यहाँ से हम लोग अंदर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। करीब 4 या 5 किलोमीटर का ट्रैक है और 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा उसमें। पोलो फॉरेस्ट के बीच से हरनम नदी बहती है, जिसमें कि केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है और बाकी समय ये सूखी रहती है। और क्या क्या घूमने के लिए? उसमें एक को पॉइंट है, मैंगो पहाड़ आता है। अच्छा। पहले नीचे बनियांटी वट के झूले आते हैं और चाचरी नदी कहते आते हैं। अच्छा। और ये नदी का नाम है हरनाव। और दूसरा आता है मैंगो पहाड़, उसमें इको पर चेपीपोर और लेस्ट टावर आता है, उसको वॉच टावर तरीके पे पहचाना जाता है। और नीचे उतर के फिर एक मम्मी से चेकड़े में आता है और उसके आगे सन टेम्पल आता है, उसका नाम है सूर्य मंदिर। तो अभी डैम के लिए जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। देखते हैं उस डैम में पानी है भी कि नहीं, पानी है कि नहीं, कोई नहीं, एंजॉय करेंगे। बाकी जंगल काफी घना है चारों तरफ, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हरनव डैम पोलो फॉरेस्ट के मध्य में स्थित है और एक ट्रैकर्स और बर्ड वॉचर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आप पोलो फॉरेस्ट का चारों तरफ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आप, करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग डैम आ चुके हैं। पहुंच गए थे 6 बजे ऑर्डर देने के बाद। फिर हम लोग डैम घूमने गए, डैम घूमने के बाद अभी हम लोगों को 2 से 2.5 घंटे बाद अभी पराठा मिला हुआ है। ये ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है हमारी और ये भैया है हमारे साथ साथ में। क्या नाम है भैया? तो ये भैया हमें घुमाएंगे पूरा आज। टेम्पल जैन टेम्पल है। कौन सा? तो अभी अंदर जाने दे रहे हैं आप?
पोलो फॉरेस्ट के अंदर करीब 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि एक घने जंगल के बीच से गुजरता है। वो ट्रैक करने के लिए आप किसी भी लोकल टूरिस्ट गाइड को कम दाम पर ले जा सकते हैं। ट्रैक की शुरुआत में आपको जैन मंदिर मिलते हैं और उसके बाद घने जंगल से गुजरने के बाद आप मैंगो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर कि इको पॉइंट स्थित है। इको पॉइंट वो जगह है जहां पर जोर सी आवाज़ में बोलने पर सामने वाले पहाड़ से टकरा कर उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इसी वजह से उसको इको पॉइंट बोलते हैं। इको पॉइंट के थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें सेल्फी पॉइंट मिलता है जहां से आप पूरे पोलो फॉरेस्ट का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आसपास पूरा जंगल है। ये इसको मैंगो हिल क्यों बोलते हैं? आम वाम होते थे क्या यहाँ पे कि मैंगो की शेप में इस वजह से बोलते? अच्छा मैंगो हिल्स की समिट पे आ चुके हैं हम लोग और ये सामने रहा इको पॉइंट। रेशमा बोल, रेशमा प्रिया आवाज आएगी फिर। रेशमा बोल, रेशमा पेज आ रही नीचे से आ रही वही तो नहीं आ रही रेशमा ही ना आ जाए यार। मैं बोलूं उसके बाद 1 किलोमीटर उतरने के बाद हम लोग चेक डैम पर पहुंचते हैं और उसको क्रॉस करने के बाद सूर्य मंदिर जाते हैं जहां से हमारी ये ट्रैक समाप्त होती है। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्यों भैया कहाँ से? अब्बापुर से आ रहे हैं भैया। हमारे देखिए बकरी चराने ऊपर जा रहे हैं जहाँ लोग रोड ट्रैकिंग के लिए आते हैं, भैया हमारे बकरी चराने जाते हैं। उस बकरा का नाम है टम्मू भाई। देखिए उस बकरे का नाम जो अभी आपको पहले दिखाया था उसका टम्मू भाई नाम है। टम्मू भाई नाम है उसका। हाँ ये इनका लड़का है। इसका क्या नाम है? प्रदीप नाम है इसका। अब हम आपको अपने ट्रैकर्स दिखाते हैं, ये काफ़ी दूर चले गए हैं हमसे। ये हमारा चेक डैम है। जब नदी भरी हुई होती है तो यहाँ पूरा चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई देता है, लेकिन इस साल बारिश कम हुई है तो पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, पानी कम नज़र आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग नहाने धोने में लगे हुए हैं इधर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।